बीच में गांव आ रहे हैं है ना, तो ये पूरे गांव उठेंगे यहाँ से, पूरे ये शिफ्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये इनको ना जो मुआवजे दिए जाते हैं तो दे चुकी है गवर्नमेंट ऑलरेडी। हाँ मुआवजे तो इनको दे, ये ऑन है, ये भी ऑन है, ये अभी ऑन थी ऑफ करिए, ये ऑन है देखो, ये ऑन है अभी, ये रीडिंग चल रहा है इसमें देखो कंट्रोलर में देखो। तो कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, दिस इज लक्ष्मण भाटी एंड यू आर वाचिंग भाटी ब्लॉग। तो यार आज के ब्लॉग में कुछ काम, दो काम है मैन, मेरे एक दोस्त के पिताजी हैं वो आर्मी रिटायर्ड हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है अभी जेवर एयरपोर्ट वाली ज़मीन पे, तो मेरी उनसे कल शाम को बात हुई थी फ़ोन पे, तो बोल रहे थे आ जाने की, तो आज उनसे भी मिलेंगे। दो शिफ्ट में ड्यूटी चलती है, तो पहली शिफ्ट उन्हीं की है, उसके बाद में दूसरी शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी, तो आज उनसे मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन वगैरह उनसे पूछेंगे, किस फेस में काम चलेगा, उनकी रिपोर्टिंग किसको होती है। और एक दोस्त का कमेंट आया था कमेंट बॉक्स में, वो बोल रहा था कि 10 साल लग जाएंगे इस एयरपोर्ट को बनने में, इतना टाइम तो खैर नहीं लगेगा यार, बाकी उनसे पूछते हैं कि किस स्पीड से काम चलेगा और उनकी ड्यूटी क्यों लगाई गई है, आर्मी रिटायर्ड वालों, जो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है उनकी ड्यूटी क्यों लगाई गई है, उनसे पता करेंगे। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यार जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं, मेरा एक दोस्त के पिताजी हैं जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, उनकी फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी, तो शायद वो अभी यहाँ पे है नहीं, तो मैं लेट हो गया थोड़ी सी, तो यहाँ पे मुझे एक भैया मिले थे, वो सर्वेइंग डिपार्टमेंट से आए हैं, इस पूरे एरिया का वो सर्वे करेंगे, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं, दो तीन जो क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में पूछे थे उनसे पूछ लेते हैं वो सारे क्वेश्चन, सही टाइम पे आए हम भी। नमस्कार भैया। नमस्कार। नाम क्या है भैया आपका? आलोक कुमार। तो ये आलोक कुमार भैया हैं सर्वेइंग डिपार्टमेंट से, तो अभी वो वहाँ पे क्या लगा रखा है आपने? डीजीपीएस का काम क्या होता है भैया मेनली? ये सैटेलाइट से रीडिंग लेता है, आपकी कोऑर्डिनेट उठाता है ये सैटेलाइट से। हाँ। डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट से, तो हाँ? हम यहाँ का कोऑर्डिनेट लेंगे, फिर और भी तीन चार जगह लेंगे, तो हम उसका एरिया निकालेंगे, बाउंड्री फिक्स करेंगे, तो उसके बाद ही अंदर काम हो सकता है। थियोडोलाइट होती है? थियोडोलाइट, थियोडोलाइट तो सर बहुत पुरानी चीज़ है वो तो। अच्छा, ये एडवांस लेवल की है ये थियोडोलाइट के बाद? थियोडोलाइट इससे कम से कम कितनी, 30 साल पहले की चीज़ है वो थियोडोलाइट, अब तक कोई यूज़ नहीं करता। तो कॉलेज में अपना, हमें लैब में पढ़ाया जाता ना, थियोडोलाइट बताया जाता था, थियोडोलाइट बताया जाता होगा, प्लेन टेबल सर्विंग बताया, प्लेन टेबल सर्विंग वो बताया था, वो स्टार्टिंग की चीजें थी, प्लेन टेबल के बाद थियोडोलाइट था, उसके बाद ये था। तो ये तो बहुत एडवांस लेवल पे आ गए, मतलब ये अभी लेटेस्ट है, लेटेस्ट है ये लेटेस्ट है अभी, इससे ऊपर अभी लेटेस्ट कोई आया नहीं है सर्विंग के लिए। इससे ऊपर एक लिडार है, लेकिन लिडार उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना ये है। अच्छा, तो भैया आप नोएडा से आए हो, ग्रेटर नोएडा से? दिल्ली से। दिल्ली से आए हो, तो आपका मेन पर्पज क्या है यहाँ पे? पूरे 5000 हेक्टेयर सर्वे करना है हमें, मतलब 5000 हेक्टेयर जमीन है ना टोटल? आपको बताई गई होगी ड्राइंग वगैरह, एक्चुअली 5000 हेक्टेयर है। तो आप जगह जगह से पॉइंट बना के, आप जगह जगह से, हर जगह से मशीन लगी हुई है हमारी। तो रिपोर्टिंग आपको, आपकी सर्वेइंग डिपार्टमेंट में ही रहती है भैया या किसी और भी डिपार्टमेंट में रहती है? नहीं, सर्वे को ही देते हैं हम, सर्वे को ही देते हो। आपका नाम क्या भैया? अनुज मलिक। यहाँ पे इनकी गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ पे इनकी जो मशीन लगी हुई है, और भी मशीन है आपके साथ में या यही है? और भी है अभी लड़के। अच्छा, लड़के अभी लंच पे गए हुए, मैं आपको पास से दिखा देता हूं। चल रही है, तीन मशीन ये रखी है ना। अच्छा, ये सैटेलाइट, ये ऑन है, ये भी ऑन है, ये अभी ऑन थी ऑफ करिए, ये ऑन है देखो, ये ऑन है अभी, ये रीडिंग चल रहा है इसमें देखो कंट्रोलर में देखो, इसकी स्क्रीन चालू है, इधर करके ऐसे आ जाएगा। इसमें जॉब्स की स्केट आउट्स वगैरह, तो एक मतलब मोटे मोटे तौर पे इसका प्रोसेस बताओगे भैया कि किस तरीके से काम करती है ये, सिंपल सिंपल भाषा में? मोटे मोटे में
आप टोटल सेशन से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं? हाँ, कोऑर्डिनेट निकालते हैं। आपको एक ऑलरेडी दिया होता है उससे हाँ। होता है उसमें क्या होता है ना, जैसे टोटल स्टेशन पे आप काम करेंगे, टोटल स्टेशन पे तो आपको जगह जगह शिफ्टिंग करना होगा। ये डीजीपीएस होता है, इसको आप एक जगह कहीं भी सेट कर दीजिए, यहीं से आप इसको 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस में आप इससे काम कर सकते हैं। क्या आपको आईपी से देखना पड़ेगा? 200 मीटर इससे आपको कुछ नहीं देखना, बस जाके जो भी आपको पॉइंट पिक करना उस पॉइंट पे जाके इसको रख दीजिए आप, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो होता है इसमें अपना कलेक्ट कर लेगा वो ऑटोमेटिक। ये इससे कनेक्टेड है तीनों। अच्छा, ये जीपीएस होता है, उसको कहीं भी एक जगह से सेट कर देते हैं। हाँ। हमारा वहाँ पे जीपीएस पॉइंट है जीपीएस वन, उसको हमने वहाँ पे सेट कर दिया। अब हम यहाँ से 5 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग काम कर सकते हैं। लेवलिंग का कोई डिफरेंस नहीं रहता है? वो लेवल भी साथ साथ ऑटोमेटिक हो रहा है इसमें, लेवल भी हो रहा है इसमें और कोऑर्डिनेट्स भी आ रहा है। तो आपने परचेज कर रखी है, डिपार्टमेंट ने दे रखी है आपको? परचेज कर रखी है। ये टेंडर मिला है शिवम सर्विंग सिस्टम कंपनी है दिल्ली की, उनकी कंपनी का नाम है शिवम सर्विंग सिस्टम, तो उसी को पूरा मिला हुआ है। अथॉरिटी से टेंडर ले लिया आपकी कंपनी ने, हम लोग को ऑथराइज किया। तो आपको टारगेट दिया है कि ये कब तक कंप्लीट कर देना है? एक महीने के अंदर हम लोग को कंप्लीट करके देना है। तो जब ये आप कंप्लीट कर दोगे तो बाउंड्री के लिए दिया गया है पूरे एरिया का? बाउंड्री भी है इसमें, देखिए हम लोग को टोपोग्राफिकल सर्वे करना पूरे एरिया का, लेवलिंग करनी है और ट्रायंगुलेशन पिलर और ट्रैवर्स पिलर, ये हम लोग को फिक्सिंग करा के उसके एज पर साइड जहाँ जहाँ पे हम लगाएंगे उसको कोऑर्डिनेट उस पर फिक्स कर देना। तो आपको कुछ ऐसा भी टारगेट दिया होगा जैसे कुछ बीच में गांव आ रहे हैं है ना, तो ये पूरे गांव उठेंगे यहाँ से पूरे क्षेत्र? गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये इनको ना जो मुआवजे दिए जाते हैं तो दे चुकी है गवर्नमेंट ऑलरेडी। हाँ, मुआवजे तो इनको दे चुके हैं, इनको बस एक दिन आके नोटिस दे देंगे कि आप एक हफ्ते में खाली कर दो, गवर्नमेंट देगी जिस दिन काम स्टार्ट करना होगा उस दिन इनको खाली करना होगा बस। इनको तो ऑलरेडी ये कितना साल भर हो गया होगा अभी तक मुआवजा दिए हुए? मुआवजा तो ऑलमोस्ट सभी लोग को मिल चुका है, कुछ लोग है अभी 2-4-10 लोग भी जिसको नहीं, जिसने उठाया नहीं अपनी मर्जी से अभी। तो आपके सर्वेइंग में ये पॉइंट दिखाने होंगे कि पूरे गांव का जितने भी इसमें हाउस आएंगे ना, जितने भी इस गांव में घर होंगे उस घर को हमें पूरा लेना है, पूरा एक एक घर के, हाँ एक एक बिल्डिंग बनाना है। तो इतने बड़े इसके एरिया को छोटे से स्केल पर कैसे दर्शाते हो आप, मतलब किलोमीटर में दिखाते हो या मीटर स्क्वायर में दिखाते हो? मतलब 5,000 हेक्टेयर जमीन होगी। हाँ। आपने पॉइंट दिखाई कि यहाँ पे गांव है, यहाँ पे ऑटोकैड है ना, ऑटोकैड से इसमें जैसे कोऑर्डिनेट आया था ना, उस कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ऑटोकैड में वो अगर आप किलोमीटर के एरियाज के डालोगे ना, मान लो मैंने यहाँ से वहां तक का डाला 4 किलोमीटर का, तो उस हिसाब से एडजस्ट करके मुझे ड्रॉइंग दिखाएगा। अच्छा, समझ गए। और इसके बीच में अगर छोटे छोटे पॉइंट है तो उस हिसाब से दिखाएगा। तो ये जो व्हाइट कलर के जो पोल खड़े हैं ये लास्ट वो है पेरी। हाँ, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री अभी फेज 1 की। अच्छा, तो फेज 2 में जहाँ भी अगर आगे तक नेक्स्ट टाइम जो बढ़ाएगा फिर ही आगे तक बढ़ जाएंगे, एक्स्ट्रा रहेंगे, बट अभी इतने के ही अंदर हम लोग काम करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं ये जो रखी है छोटी वाली? ये कंट्रोलर होता है, ये कंट्रोलर है, ये रिसीवर है। अच्छा, ये रिसीवर है, ये कंट्रोलर है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये रिसीवर है, ये रेंजिंग रोड बोलते हैं इसको, ये कंट्रोलर है। अच्छा, वो जीपीएस पूरा सेटअप है वो। तो एक पर्सन इसको लेके जाएगा? एक पर्सन लेके चलते हैं वहाँ पे आगे। हाँ, इसमें जैसे ये लॉक किया हुआ है, इस तरह से सेटअप बन जाता है, वो बंदा जाएगा जहाँ जहाँ पे भी उसको लेवल लेना वहाँ पे रखेगा, इससे रीडिंग आता है उसमें, अपना आप रिकॉर्ड हो जाता है डाटा से। ये तीनों उससे कनेक्टेड है आपस में। अच्छा, यहीं से हम 5 किलोमीटर रेंज में जाएंगे तो कनेक्ट ही रहेंगे आपस में। तो ये मशीन भैया ने बताई है अभी और कुछ समझा भी दिया है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ब्रिक वगैरह भी रखी है, मटेरियल भी रखा है यहाँ पे, जो पैरी फेरी पे जो यहाँ पे वो है ना ब्रिक्स के कारखाने जो हैं, ये हाँ हाँ ये उनके लाके रखे हुए हैं, ये अथॉरिटी के नहीं है, ये मतलब ये अथॉरिटी सब हटेंगे यहाँ पे, सब हटेंगे। थैंक यू भैया, आपने दोनों ने अपना टाइम दिया यार, चीज़ें समझाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जैसा हम आपने देखा है ना, ये सर्वेइंग डिपार्टमेंट से आए हुए थे, हमने इनसे बात करी है तो दोनों काफ़ी फ्रेंडली थे, काफ़ी अच्छे से समझा रहे थे कि प्रोसेस क्या है इनकी मशीन का काम करने का। कॉलेज में जो ज़्यादातर हम पढ़ते थे थियोडोलाइट टोटल स्टेशन, ये तो ये बोल रहे हैं कि इसके सामने ये तो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है इनकी, जो डायरेक्ट सेटेलाइट से कनेक्टेड होती है, ये पूरे 5,000 हेक्टेयर जमीन को पूरा कवर कर लेंगे, ये उसमें पॉइंट दिखाएंगे, फिर ऑटोकैड फॉर्मेट में ये ड्रॉइंग रिलीज कर देंगे। चल रहे हैं अभी बीच में, एक 360 व्यू देखेंगे पूरे एरिया का,
5000 पूरे एरिया को तो कवर नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन कुछ एरिया को देख लेते हैं कि जो जो एक गांव आ रहा है वो पूरा गांव ही उठेगा, पूरा गांव उठेगा उसमें। और ये बोल रहे हैं कि बहुत स्पीड से काम होगा, ये नहीं है कि मैं ये कमेंट देख रहा था, एक भाई ने कहा है कि 10-12 साल लग जाएंगे इसको बनने में, तो ऐसा तो नहीं है यार। बहुत इतनी इस बड़े स्केल एरिया पे एक्वायरमेंट हुई है, गवर्नमेंट ने पैसा लगा, स्विट्जरलैंड की कंपनी है स्विस, वो इसको कंप्लीट करेगी और 2 रनवे स्टार्टिंग में करेगी, वो 4 रनवे बनने हैं टोटल, 4 रनवे में से 2 रनवे पहले बनेंगे, 2 बाद में बनेंगे। तो अभी इसका 360 व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा रहता है। सामने वाला गांव पूरा उठेगा, ये टावर वगैरह सब कुछ यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, इनको गवर्नमेंट ने जहाँ पे प्लॉट अलॉटमेंट किया होगा ये वहाँ पे चले जाएंगे अपना। आप देख पा रहे हो ना पूरा एरिया 360 व्यू में, ये जो रोड है ये भी शिफ्ट हो जाएगा पूरा, जहाँ तक आप देख पा रहे हो ये ग्रीन एरिया, फसल तो हो ही नहीं रही है कहीं पे भी, गवर्नमेंट ने फसल के लिए अलाउ नहीं किया किसी को भी। ये पूरा एरिया एयरपोर्ट के अंदर आ रहा है, एयरपोर्ट वाली ज़मीन है ये, और सामने एक गांव ये है, एक गांव वो है सामने वाला, वो भी पूरा। ये गांव है, ये पूरा शिफ्ट होगा, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा जो उनके पिताजी को नहीं मिलता, उनकी शिफ्ट खत्म हो गई थी, वो हम जैसे पहुंचे थे उससे 10 मिनट पहले निकल चुके थे भी। कोई बात नहीं है, वो दोबारा उनसे मिल लेंगे, दोबारा बातचीत कर लेंगे, उनकी शिफ्ट तो चलती रहेगी। वो दोनों सर्वेइंग डिपार्टमेंट से थे और काफ़ी उन्होंने अच्छे से समझाया था, देखा भी है आपने व्लॉग में, और उनका कहना यही था कि बहुत स्पीड से काम चलेगा, ये नहीं है कि डिले होगा, सर्वे करके दे देंगे वो अपनी कंपनी को। तो यार आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस ब्लॉग।